दिन की आगे कहाँ पाठ पढ़ेंगे, पाठ का सार पढ़ेंगे। पाठ का सार है, अब हम लिखेंगे पहले तो महादेवी वर्मा का लेखक परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करती रहीं और लड़कियों के लिए काफ़ी प्रयत्न किए इन्होंने। 1987 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा आदि। महादेवी की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है कि दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध है। अब है पाठ का सार। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। संस में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताया है। हिंदी, अंग्रेजी आदि की शिक्षा भी उन्होंने ली है। फिर मिशन स्कूल में जाने पर उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई और उन्होंने छात्रावास में विभिन्न स्थानों से आए बच्चों में एकता सहानुभूता की भावना पैदा की। वे कविता भी लिखती थी और कविता में हमेशा प्रथम पुरस्कार मिलता था उन्हें और उन्होंने पुरस्कार में चांदी की कटोरे को दान स्वरूप गांधी जी को दे दिया था। घर के पास रहने वाले नवाब साहब के परिवार से उनके बच्चे उनके बड़े ही अच्छे संबंध थे और वे एकता और भाईचारा दिखता था उस समय उन लोगों में। अब है पाठ के शब्दार्थ। परम धाम यानी स्वर्ग, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, नक्काशीदार यानी बेलबूटे के काम से युक्त, फूल यानी तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु, निराहार बिना कुछ खाए पिए, पदक प्रशंसा सूचक पुरस्कार सोने चांदी या धातु से बना हुआ गोल चौकोर टुकड़ा। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यासों पर हम नजर डालेंगे बच्चों। पहला है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब्र नहीं सहना पड़ा, सब कुछ नहीं सहना पड़ा कि जो लड़कियों को सहना पड़ता है। फिर कथन है कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी और लड़कियों के जन्म के संबंध में कैसी परिस्थितियां हैं। उस समय अर्थात 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था और महादेवी वर्मा ने उन्हीं के बारे में संस्मरण लिखा। बैंड वाले, नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे कि लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण, लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर में पनपने नहीं देना आदि सब समस्याएं थी। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियाँ थोड़ी बदली हुई हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे लड़कों का। शहरों में लड़कियों को तो लड़कों की तरह पढ़ाया जा रहा है और लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए भी बहुत सी तैयारियां चल रही, जैसे भ्रूण हत्या हो रही है। देश में लड़कियों लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियाँ हैं, जैसे चंडीगढ़ में है जो देश का एक उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ शिक्षा कम है, धन वैभव है। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता बन गई है। प्रश्न दो है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाए। लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाए कि लेखिका की रुचि फारसी में नहीं थी। उसे लगता था कि उर्दू फारसी नहीं सीखना चाहिए। उर्दू फारसी पढ़ने से मौलवी साहब आते हैं और वह चारपाई के नीचे छिप जाते हैं। अब है प्रश्न तीन, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व में किन विशेषताओं का उल्लेख किया। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थी, इसलिए इन दिनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी, सवेरे कृपा निधान पंछी बन भोले गौर पद गाते थे आदि सब ये प्रक्रियाएँ चलती थी। फिर है, जवारे के नवाब के साथ आप अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारे के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते हैं और एक दूसरे के परिवारों को मिलजुल कर मानते हैं और चाचा, ताई, दुल्हन आदि सभी आत्मीयता भरे रिश्तों से जुड़े रहते हैं, जैसा कि अभी वर्तमान समय में भी हम बदली हुई स्थितियाँ देख रहे हैं। जेबुन निशा महादेवी वर्मा के लिए काम करती थी। जेबुन निशा के स्थान पर यदि होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। जेबुन निशा के स्थान पर अगर मैं
माँ देवी के लिए कुछ काम करती तो मैं संबंधों के आधार पर उनसे अपेक्षा करती। अगर मैं नौकरानी के रूप में होती तो उनकी सहायता करती, तो उनसे मजदूरी के साथ साथ प्रेम आदर और इसकी अपेक्षा रखती। प्रश्न 6 है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था, अनुमान लगाइए कि इसको किस तरह पुरस्कार मिला होगा और देश हित में या किसी आपदा निवारण में काम देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे। उत्तर है, मुझे क्या चांदी के कटोरे जैसा कीमती पुरस्कार मिला हो और देश हित की बात आए तो मैं ऐसे पुरस्कार को खुशी खुशी देता, लेकिन देश हित के बड़ा कुछ भी नहीं। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखी है, यह आपके लिए उपयोगी नहीं है। प्रश्न 8 है, महादेवी जी के संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हम जंग ना होने देंगे का पाठ करना था, फिर हिंदी अध्यापक की देखरेख में इसका अभ्यास तो किया पर मन में भय सा बना था। छात्र छात्राओं के बीच इस कविता को मेरा पहला अवसर पढ़ना था। अब इसके बाद है प्रश्न 9, महादेवी के कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने पर उन्होंने उस डायरी पर एक प्रश्न देखिए, जैसे लिखा है 26 जनवरी 20 आज विद्यालय में गणतंत्र दिवस का आयोजन है। यहाँ पर गणतंत्र दिवस के आयोजन के बारे में पूरा एक निबंधात्मक प्रश्न है, फिर परंतु उसमें बताया कि जैसे जैसे बोलने का समय निकट आ रहा था उत्तेजना बढ़ती जा रही थी, अब मैं ना तो मंच का कोई कार्यक्रम सुन पा रही थी ना किसी से बात कर पा रही थी। फिर है प्रश्न 10, पाठ से निम्नलिखित शब्द को ढूंढकर इनके विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, यानी विलोम शब्द लिखिए। शब्द हैं विद्वान, अनंत, मूर्ख, निरपराधी, अपराधी, दंड, पुरस्कार, शांति, विवाद शांति आदि। प्रश्न 11 है, निराहारी, निराहार, सांप्रदायिकता, अप्रसन्नता, अपनापन, स्वतंत्रता। अब निराहारी का है उपसर्ग और प्रत्ययी व्याकरण है, आपको कॉपी में लिखना है। स्वतंत्रता, फिर प्रश्न 12 है, निम्नलिखित का ही आप उत्तर पढ़िएगा। प्रश्न 13 में बताए समास विग्रह का कैसे बताया, पंचतंत्रों का समाहार, उर्दू भाषा, उर्दू फारसी, रोने धोने आदि। द्वंद्व बताया, कृपा निदान, कृपा के निदान है। फिर जेब खर्च, ताई चाचा चाची आदि द्वंद्व उत्सर्ग बताया। पाठ में आए सामासिक पद छांट कर विग्रह करें और पूजा पाठ के जोड़कर लिखें, दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा, कुल देवी, कुल देवी की पूजा। फिर कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन, प्रचार प्रसार, जेब खर्च आदि, ताई चाची आदि।